तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंट वर्ल्ड। आज मैं जिस पेन का रिव्यू करने वाला हूँ वो एक बॉल पेन होने वाला है। तो चलिए हम जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइस, आज जो मेरे पास पेन है वह ये देख सकते हैं, इसका नाम है सेलो ग्रिपर, जो आता है 0.5 mm निब के साथ। और देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट पेन है, जिसकी जो क्लिप है वो भी ट्रांसपेरेंट है। अगर पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, तो इट फील स्टेडी। और खासकर ये जो इसकी क्लिप है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल तो ऑब्वियसली नहीं, आप देख सकते हैं। अगर मैं ज्यादा फ्लेक्सिबल, अगर ज्यादा इसे खोलने की कोशिश करूंगा तो इट माइट ब्रेक। तो निब ज्यादा फ्लेक्सिबल तो नहीं है, बट हाँ स्टिल स्टेडी है और यूजेबल है। हालांकि ज्यादा अंदर तक भी आप इसे अपनी पॉकेट में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लिप जो है वो काफी छोटी भी है, मतलब वो दिखती बड़ी है, बट एक्चुअली में जो उसकी यूजेबल स्पेस है वो बहुत कम छोड़ी है हमने। तो वो एक नई भी डिसएडवांटेज हो सकता है। हालांकि आजकल पेन लोग इस टाइप की कैरी पॉकेट में ज्यादा नहीं करते, लोग प्रोफेशनल पेन ज्यादा कैरी करना पसंद करते हैं। हालांकि पेन का लुक इतना प्रोफेशनल नहीं है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड फील होती है। जो मैंने सेलो फाइन ग्रिप यूज किया था और इसका रिव्यू में डाल सकता हूँ, जाकर देख सकते हैं, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी से ज्यादा स्टेडी लगता है ये। और हालांकि बस इसमें क्लिप जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बाकी तो पेन काफी अच्छा है। और बिल्ड क्वालिटी में बात करूं तो इसकी जो ये क्लिप है ट्रांसपेरेंट बनाने के कारण इसका जो प्लास्टिक मेरे को लग रहा है वो थोड़ा ड्यूरेबल नहीं हो सकता है। हालांकि कैप के अलावा पेन की बात करें तो पेन इज क्वाइट गुड, एंड ये जो पेन है इसका प्लास्टिक काफी हाई क्वालिटी की है। अब मैं ग्रिप की बात करते हैं तो आप देख सकते हो ग्रिप कैसी है। तो इसकी ग्रिप जो है देख सकते हैं, ग्रिप में ऐसे होल्स, ऐसे क्या कहना चाहिए, डम्प्स बनाए हुए हैं जिससे ग्रिप और बेहतर हो जाएगी। हालांकि जब कोई भी नया पेन आता है तो उसकी ग्रिप जो होती है थोड़ी स्मूथ रखी जाती है, ऑब्वियसली, क्योंकि पहले पहले में प्लास्टिक नया होता है, जिससे से यूज हो जाएगा, ग्रिप अच्छी होती जाएगी। ऑब्वियसली टाइम के साथ हर पेन की ग्रिप बेटर चीज होती है, अगर वो पेन कोई प्लास्टिक पेन ना हो जो स्लिप करने लगते हो। हालांकि और ये काफी बढ़िया बात है, और ये सेम आपको सेलो फाइन ग्रिप में भी देखने मिली। तो ये ग्रिप जो है वो सच में काफी बढ़िया तो है, ये चीज तो कन्फर्म है। और इसकी निब जो है आप देख सकते हैं, जो कि 0.5 mm की फाइन निब है, ज्यादा फाइन तो नहीं पर हाँ काफी बढ़िया है देखने में। आप देख सकते हैं मोटी बिल्कुल नहीं है, और उनके तो ये पेन काफी बेस्ट सूटेड होगा जिन्हें लॉन्ग राइटिंग सेशंस करने के लिए। हाथ में पेन काफी कंफर्टेबल फील होता है, ना कि ज्यादा पतला ना कि ज्यादा मोटा है। तो ये काफी पेन जो होते हैं हाथ में काफी पतले लगते हैं, पेंसिल पेन लगते हैं, दे आर लाइक नॉट दैट कंफर्टेबल, और वो आपके फिंगर में निशान भी छोड़ देते हैं। पर इसके साथ वो केस तो नहीं होने वाला ज्यादा, क्योंकि ये पेन काफी कंफर्टेबल है, इसकी लेंथ भी काफी बड़ी है देख सकते हैं आप। और ये जो है काफी चीप प्राइस पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और आपको कोई भी शॉप में मिल जाएगा। इसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट ठीक है। और इस पेन की अगर मैं ओवरऑल लुक्स की बात करूँ, ये पेन काफी फाइन लुक्स देता है, तो देख सकते हैं। ये जो पेन है ये है तो बढ़िया, दिखता अच्छा है, ड्यूरेबल है, आई गेस इसकी ग्रिप भी बहुत बढ़िया ही है। और अभी तक तो मैं इसमें कोई ज्यादा खामी नहीं निकाल पाया है सिवाय इसकी क्लिप के, जो कि मैनेजेबल है, क्योंकि हमें तो राइटिंग एक्सपीरियंस से मतलब है, कैरी कैसे भी कर सकते हो। पेन प्रोफेशनल तो ऑब्वियसली नहीं है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, बट ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं कोई भी टाइप के, कॉलेज स्कूल कोई भी टाइप के, तो वो तो ऑब्वियसली इसे यूज कर सकते हैं। नहीं तो इसकी जरूरत है एक पेन, तो लॉन्ग राइटिंग सेशन के लिए आपके काम में आए।
बट हाँ, चलिए हम एक बार उसका राइटिंग सैंपल भी लेकर देख लेते हैं कि इसकी स्मूथनेस कैसी है और ये पेपर पे कितना ग्लाइड करता है और हमें कितना अच्छा मीडियम देता है लिखने के लिए। चलिए चलिए, हमें जल्दी से राइटिंग सैंपल ले लेते हैं। तो गाइस, राइटिंग सैंपल के बाद मेरे थोड़े ओपिनियंस हैं इसके बारे में। जैसा मैंने बोला था, 0.5 mm की फाइन निब है इसकी, तो ये चला तो काफी स्मूथ और काफी फाइन भी। मतलब जो लोगों को फाइन पेन पसंद होते हैं, जिन लोगों को थोड़ा फजी काम अच्छा नहीं लगता, और जैसे अगर हम इसे लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली फाइन निब के कारण इसकी हम ज्यादा क्लीनर वर्क को प्रोवाइड कर पाएंगे, और इसमें जो बल्जेस आते हैं इसके, वो भी कहीं देखने ऐसे खास मिले नहीं मुझे। देख सकते हैं आप, कहीं बल्जेस नहीं देखे मैंने, तो ये एक और अच्छा प्लस पॉइंट है। क्योंकि पेन जो खासकर ऐसे आते हैं उसमें हमें बल्जेस देखने मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी राइटिंग एक्सपीरियंस के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि ये जो पेन था काफी अच्छा चला, सिवाय इसकी क्लिप के, उसके अगर अगर इसकी क्लिप को ना कंसिडर किया जाए तो ये पेन इज लाइक एवरीथिंग जो आपको चाहिए एज अ स्टूडेंट आई गेस। तो पेन वॉज awesome and it was nice reviewing it. और मैं obviously अगर आप पूछें तो मैं इन दोनों में से, चलो fine gripper और fine gripper, दोनों में से कौन सा ज़्यादा prefer करूँगा, तो वो ये है obviously, क्योंकि ये मुझे काफ़ी comfortable लगा। हालांकि मैं इस पेन आपको बोलूँगा कि दोनों का रिव्यूज चेक करके ही अपने हिसाब से पेन को अपने हाथ में लेके उसका राइटिंग सैम्पल लेके ही लें, क्योंकि कई लोगों को चलो इतनी ज़्यादा पसंद आएगा, मेरे को ये आ गया, और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग तो ऑब्वियसली होगा। तो चलिए गाइस, आज के रिव्यू के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले रिव्यू में। बाय बाय।